बच्चों, ये हमारे पास सिंपल सा क्वेश्चन है। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन 1D पे टू कार्स स्टार्ट ऑफ टू रेस विद वेलोसिटीज 4 मीटर पर सेकंड एंड 2 मीटर पर सेकंड। देखो, हमेशा एक हैबिट आपको क्या रखनी है, क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते आपको साथ में डायग्राम भी बनाते जाना है। मेरे पास दो कार्स हैं, ठीक है, दोनों की वेलोसिटी गिवन है। इसकी वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकंड है और इसकी वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड गिवन है। देन बोला गया है कि ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एंड 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ पर लिख लेते हैं, ये जो तुम्हारा U1 है 4 मीटर पर सेकंड, U2 है 2 मीटर पर सेकंड, सिमिलरली A1 है तुम्हारे पास 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और A2 है तुम्हारे पास 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आगे बोला है, इफ़ दे रीच द फाइनल पॉइंट एट द सेम टाइम देन द लेंथ ऑफ द पाथ कितना होगा। तो दोनों स्टार्ट सेम पॉइंट से करते हैं और फाइनल पोजिशन पर भी दोनों एक साथ पहुँच रहे हैं, ठीक है, तो दोनों का टाइम सेम लगा है, दोनों का डिस्प्लेसमेंट एक्स सेम है और टाइम भी सेम लगा है। तो हमें निकालना है कि लेंथ ऑफ द पाथ यानी कि एक्स की वैल्यू कितनी है। तो कैसे करेंगे, पहले मैं अगर फर्स्ट कार के लिए निकालूं, तो फर्स्ट कार आपकी ए, सेकंड कार आपकी बी है, तो कार ए के लिए एक्स इक्वल टू यू टी, तो U1T प्लस A1T स्क्वायर बाय 2, तो एक्स इक्वल टू U1 आपके पास है 4 और A1 है आपके पास 1, तो 4 प्लस टी स्क्वायर बाय 2 हो जाएगा। अगर मैं कार बी की इक्वेशन बनाता हूं तो उसका U2 और A2 गिवन है, तो मैं लिख सकता हूं बी के लिए एक्स इक्वल टू U2T प्लस A2T स्क्वायर बाय 2, तो U2 आपके पास है बच्चों 2 के बराबर, तो 2T प्लस A2 इज ऑल्सो 2, तो 2 बाय 2 टी स्क्वायर, तो ऐसा मुझे एक्स मिल जा रहा है 2T प्लस टी स्क्वायर। तो ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन, ये मेरी सेकंड इक्वेशन, मेरे पास दो इक्वेशन है और दो अननोन है एक्स और टी, तो मैं इनको सॉल्व करके एक्स की वैल्यू और टी की वैल्यू निकाल सकता हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, मैं सबसे मुझे डायरेक्ट स्टेप क्या दिख रहा है कि मुझे ये जो एक्स की वैल्यू दिख रही है वो मैं सीधे यहाँ पे पुट कर दूँ इसकी जगह। तो मैं सीधे लिखूँ कि एक्स इक्वल टू एक्स होता है ना, तो यहाँ पर मैं एक्स की जगह ये लिख देता हूँ 4t प्लस टी स्क्वायर बाय 2 और यहाँ पर एक्स की जगह मैं लिखता हूँ 2t प्लस टी स्क्वायर। उसको रीअरेंज करें, 2t लेफ्ट में जाएगा, तो 4t माइनस 2t इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर बाय 2, इसको मैं राइट में ले गया। इसको आप रीअरेंज करें तो 2t इक्वल टू टी स्क्वायर बाय 2 मिलेगा, या फिर 4 इज इक्वल टू टी, तो आपको टी की वैल्यू मिल चुकी है 4। अगर मैं टी की वैल्यू यहाँ पे फॉर्मूला में पुट कर देता हूँ तो आपका बन जाएगा 4 इंटू टी की जगह रखो 4 प्लस 4 स्क्वायर बाय 2, तो आपको ये मिल जाएगा दिस इज इक्वल टू 16 प्लस 8, तो 16 प्लस 8 24, एक्स इक्वल टू 24 आपका हो जाएगा आंसर। तो लेंथ ऑफ द पाथ हो गई आपकी बच्चों 24 मीटर।